हेलो फ्रेंड, ये अदरक जैसे अपन मार्केट से लाते हैं मिट्टी के अंदर ही होता है, तो बहुत अच्छे से इसको धुल लेना है। फिर ये जोड़ा होता है ना कई जगह, तो ये उतना अलग से रख लें किसी और चीज में यूज करेंगे, लेकिन तब ये धुलते बनेगा। जैसे यहाँ ये थोड़ा सा जोड़ा हुआ है, तभी हम इसको अलग करेंगे। तो इसी तरह से सारे अदरक को अच्छे से कर लेंगे और छील लेंगे, तभी तो छीलते बनेंगे। जब ये ना भी छीलना हो तो आप धुल ही अच्छे से लीजिए कि मिट्टी ना रहे। आजकल फ्रेंड बड़े बड़े अच्छे अदरक भी आ रहे हैं, नहीं तो फिर बरसात में गीले गीले सूखे से आते, सूखे क्या बहुत ही गीले से रहते, देखने में लगते वो कि अच्छे हैं, लेकिन वो स्वाद ही अलग रहता है। तो फ्रेंड ये अदरक इसमें मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है, और फिर ये फ्रेंड पंखे के नीचे रख दीजिए आप 3 दिन के लिए, तो सूखने लगता है, सूख ही जाता है अच्छे से। अगर धूप में सुखाना है तब तो 1 दिन या 2 दिन में, 2 दिन में अच्छे से सूख जाएगा। तो देखिए ये अभी हमें चाहिए था, तो ये देखिए पंखे के नीचे रख दिया था, धूप में रखा ही नहीं है, तो 2 दिन पहले रखा था। ये देखिए बिल्कुल भर भर रहा सा बनने लगा पाउडर, तो सूख गया अच्छे से। अब आप चाहें तो इसी को बहुत महीन पीस लें तो ये सौंठ बन जाएगा, जो सौंठ पाउडर आता है ना अदरक पाउडर, तो ये सौंठ बन जाएगा व्हाइट कलर का। तो ये जैसे कभी अपन चाट मसाला में डालना चाहें, कई चीजों में अदरक डालना होता है, मान लीजिए कभी अचानक तो कोई आज जल्दीबाजी में चाय बनाना है तो यही है, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा था चाय में। नहीं तो फिर कभी कभी अपन कुछ काम कर रहे हो जल्दी में चाय बनाना है कोई आया, तो ये आसानी से एक डिब्बे में रख लें भर के, बस डाल दिया जितना डालना हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता। जैसे कभी खिचड़ी बनाते हैं या तहरी बनाते हैं तो उसमें भी 5 मिनट पहले डाल दिए कि थोड़ा गर्म में अच्छे से पक जाए। तो इसका बना के पाउडर तो ऐसे डालते रहे वो गल जाता है, चाय वाय में भी ऐसे देखिए भर भर रहा होगा, पंखे में सूखा धूप में नहीं रखा, अब जरा सा था क्या धूप में भी और रखा भी था पहले का। तो नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू, ये धूप में जरूर रख देंगे, धूप में रखे तो ढक दो ऊपर से। नमस्कार फ्रेंड्स।